पुलिस की सख्ती का दिख रहा असर। आवाजाही पर रोक के लिए पुलिस का पहरा, बैरिकेडिंग कर सील किया शहर। पुलिस के साथ RAC और होमगार्ड के जवान भी तैनात। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद लगातार बढ़ते कोरोना के पॉजिटिव केसों से पुलिस प्रशासन चिंतित और सख्त हो गया। आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 11 बजे तक मिलने वाली आंशिक छूट के दौरान बाजारों में आम दिनों की तरह भीड़ उमड़ रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग कर शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पुलिस द्वारा चौपहिया ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। अब बाजार इलाके में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही बेवजह पैदल घूमते लोगों को भी पुलिस कर्मियों ने टोक कर घरों में रहने की हिदायत दी। COVID-19 की दूसरी खतरनाक लहर की चपेट में आने से राजधानी में अब तक करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2400 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नवभारत समाचार, जयपुर, राजस्थान से महेश बागड़ा। सर, जो ये अपने कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है, बताइए सर। जी, ये जो कार्रवाई जो है, कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जा रही है। लोग कई तरह के बहाने बनाकर रोड पे निकल रहे हैं। कोई कह रहा मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, कोई कह रहा आटा लेने जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं चाय पीने जा रहा हूँ, कोई कह रहा मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो ये बहाने नहीं चल रहे हैं। हम उनको समझाइश करके वापस लौटा रहे हैं घर की तरफ। फिर भी कोई प्रॉपर अगर कारण है तो उसको जाने दे रहे हैं। कोई दिखाने जा रहा है, चेकअप कराने जा रहा है, वैक्सीनेशन लगाने जा रहा है, उसको हम ज़रूर जाने दे रहे हैं। सख्ताई से पालना की जा रही है और हमारी पूरी टीम मुस्तैदी से अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। सभी प्रत्येक गाड़ी को बारीकी से चेक करके रवाना किया जा रहा है और दूरी भी बना के हम गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ ये हैं गजानंद जी, हेड कांस्टेबल अलका के सामने। सर, जो ये आज कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हो चुकी है सर आपकी? जो बिना मास्क आ रहे हैं, जो अपने कोरोना की गाइडलाइन की नहीं पालना कर रहे हैं, उनकी कितनी कार्रवाई हो चुकी है सर? अभी प्रॉपर आंकड़ा तो शाम तक मालूम करके बता सकते हैं हम आपको। फिर भी मास्क जो नहीं पहन के आ रहे हैं उनको समझाइश करके पूरी पालना करवाई जा रही है और काफ़ी जनता में भी इसका जागरूकता है और जागरूक किया जा रहा है जनता को भी। भाई, ये सेकेंड फेज जो है काफ़ी ख़तरनाक है। बचाव में उपचार है और मास्क की बचाव है, बचाव में इसका उपचार है। देखो, लोग काफ़ी समझा इससे कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, जनता भी हमारे साथ है, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ ट्रैफिक पुलिस से सिपाही लगे हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी से भी हम पूछना चाहेंगे। सर, ये जो अपने कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो बिना मास्क से जो अपने नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिना मास्क वालों की कार्रवाई कर रहे हैं और जो संदिग्ध है, बिना मतलब घूम रहा है, उनकी भी कार्रवाई कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। वो असंतुष्ट जवाब देने पर गाड़ी भी बंद कर रहे हैं। अब आप लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि जो बिना मास्क आ रहा है उनकी गाड़ियां भी बंद की जा रही है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि एक बार दृश्य दिखाए, पुलिस प्रशासन जैसे कार्रवाई कर रहा है तो उसके एक जमाने को कार्रवाई करूँ, मैं गाड़ियाँ रोकूँ। बिना काम के घूम रहे होंगे, उनको रोक के पूछताछ करते हैं कि भाई फालतू घर से तो नहीं निकल रहे हैं। जैसे कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, कोई बस स्टैंड जा रहा है, या कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई भी हो, तो उसका टिकट चेक करते हैं, कोई भी उसकी प्रूफ सर्टिफिकेट चेक करते हैं और दुनिया को समझाते हैं कि फालतू घर से बाहर नहीं निकलें और बिना और ज़रूरी काम हो जब ही घर से बाहर निकलें। और सोशल डिस्टेंस के बारे में बताते हैं, मास्क के बारे में बताते हैं। किसी के पास मास्क नहीं हो तो हम अवेलेबल भी आसपास से कहीं से करवा देते हैं। ऐसे डोनेटर भी हैं हमारे संपर्क में जो मास्क भी बांटते हैं और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करवा रहे हैं। सर, आज जो आपकी ये कार्रवाई थी सर, इसमें बिना मास्क जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या कहना है? बिना मास्क के कार्रवाई भी होती है, जैसा कि सरकार का उच्च अधिकारी का आदेश है उसकी हम कार्रवाई करते हैं।
कोई जिसके पास मास्क नहीं हो उसकी रसीद काटते हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हो उसकी भी रसीद काटते हैं, और जैसा भी ऊपर से आदेश मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं। तो सर आज जो भी कार्रवाई हो रही है इसमें आपने कितनी गाड़ियां बंद की और कितने लोगों को समझा इसकी इस कोरोना गाइडलाइन के अंदर? गाड़ियां बंद नहीं की, वैसे सभी लोग अपने लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहे हैं, समझाइश ज़रूर चल रही है। समझाइश में तो कोई गिनती नहीं, कितने दिन भर से ही कर रहे हैं समझाइश, तो सभी को कर रहे हैं। इसमें थोड़ी बहुत खामी दिखती है कोरोना गाइडलाइन की, उसको उसके बारे में अवगत कराते हैं और उसको अच्छी तरह समझाइश करते हैं। ये हमारे साथ है इंद्रराज जी गुज्जर, SI ट्रैफिक पुलिस से। हमारी नवभारत समाचार से भी यही अपील है, अपने घरों में रहें और मास्क लगाएं और कोविड-19 की पालना करें। नवभारत समाचार से राजस्थान जयपुर से संवाददाता महेश भागड़ा, कैमरामैन अभिषेक के साथ, जयपुर राजस्थान।